देखो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द साइंस। वैसे फर्स्ट लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ, आपने थोड़ा बहुत कुछ स्कूल में या तो कुछ बोर्ड में, लाइक गुजरात बोर्ड में ये चैप्टर मतलब पढ़ाया गया है, आई डोंट नो अबाउट द CBSE, बट उसमें इसका वेटेज बहुत कम था। सेट के लिए सबसे पहले सर लिखेंगे कि सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म, मतलब सेट हैज नो डेफिनेशन। सेट के पास कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ टर्म ऐसी है कि जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। सेट के अलावा कुछ एक दो चीज और भी सर बोल सकते हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, ऐसी जो चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो वी कैन नॉट डिफाइन देम। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म। पर मैं सेकेंड पॉइंट जो आपको देने जा रहा हूं वो होगा आइडिया ऑफ अ सेट। सेट्स लिखेंगे सर, मतलब डेफिनेशन नहीं लेकिन फिर भी कुछ आइडिया तो उसका होना चाहिए कि हम लोग सेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आइडिया ऑफ द सेट मैंने क्या बोला, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सर सेकेंड टाइम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ द सेट क्या होगा, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बच्चों व्हाट डू मीन बाय द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई बंदा ऐसा बोलेगा कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर दिस इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्यों? तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर जो है वो मैं क्लियरली बोल सकता हूं 1 2 3 4 5, तो दिस वन इज द सेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेट। क्यों? कलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो अगर ऊपर की टर्म से कंपेयर करें तो कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर वो बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कलेक्शन ऑफ टू बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, तो अब ये जो है वो बच्चों सेट नहीं होगा। क्यों? तो किसी को आमिर खान भी अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान भी अच्छा लगता है, किसी को ऋतिक रोशन अच्छा लगता है, ठीक है ना, किसी को अक्षय कुमार अच्छा लगता है, तो यू कैन नॉट जज बेस्ट। अगर किसी को पूछा जाएगा कि तेरे दो, तो कोई बोलेगा आमिर एंड सलमान, कोई बोलेगा आमिर एंड सैफ अली, कोई बोलेगा अक्षय कुमार एंड ऋतिक रोशन, तो दैट दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट अ सेट। तो इट इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट सर ने एग्जांपल दिया कि कलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो वो क्लियर क्या हो जाता है बच्चों से। क्यों? तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, लेकिन कलेक्शन ऑफ अ बेस्ट एक्टर, टू एक्टर इन बॉलीवुड, तो बेस्ट टू एक्टर मतलब किसी के लिए कोई एक नंबर पे किसी को भी रख सकता है दूसरे ऊपर। अगर मूवी भी सर यार कलेक्शन ऑफ टू बेस्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड, तो भी डिफरेंट वे आ सकता है, तो दैट वन इज नॉट अ सेट, कलेक्शन ऑफ इट इज कलेक्शन, आई मीन कोई ऐसा क्वेश्चन करता है कि कलेक्शन ऑफ अ टू बेस्ट मूवी ऑफ द बॉलीवुड, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट के बाद ये जो था आपका फर्स्ट पॉइंट था आइडिया ऑफ द सेट। अब सेकेंड पॉइंट दे रहा हूं कि सेट इज डिनोटेड बाय टू मेथड, राइट? तो सेट इज डिनोटेड बाय टू मेथड, वन ऑफ देम कॉल अ लिस्टिंग फॉर्म। बच्चों अब लिस्टिंग फॉर्म ये गुजरात बोर्ड की पैटर्न है, अगर इसको CBSE में हम लोग बोलेंगे तो रोस्टर। जनरली गुजरात बोर्ड के जो पैटर्न रहते हैं उसमें वो लोग बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म, और
सीबीएसई में जनरली वर्ड कौन सा यूज होता है? रोस्टर फॉर्म. सेकेंडली प्रॉपर्टी फॉर्म. सेट इज डिनोटेड बाय टू मेथड. सेट इज डिनोटेड बाय टू मेथड. तो विच आर दोस टू मेथड? तो वन इज लिस्टिंग फॉर्म, सेकेंड इज द प्रॉपर्टी फॉर्म. ठीक है, अब प्रॉपर्टी को भी, ये जो है गुजरात बोर्ड की लैंग्वेज और सीबीएसई में सेट बिल्डर जिसको हम लोग बोलेंगे. तो सेट इज डिनोटेड बाय टू मैटर, वन इज लिस्टिंग, सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी. लिस्टिंग जिसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर सीबीएसई के लैंग्वेज में, और यहाँ पे बोलेंगे सेट बिल्डर. अब आप लोग को एक चीज ये भी सर क्लियर करवा देते हैं कि जनरली सेट इज डिनोटेड लाइक अ कैपिटल लेटर A equals to B equals to C equals to. देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1, 2, 3. तो ये जो मैंने सेट लिखा है, लिस्टिंग फॉर्म बोलो या तो रोस्टर फॉर्म बोलो, अब वही चीज को अगर मैं सामने खींच के लिखूंगा तो X such that X is a first three natural numbers. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? X such that X is the first three natural number. बंदा एक चीज़ है कि ये this is not a one of the set builder form या तो property form. One can write different way also. अगर कोई ऐसा चाहता है कि सर मैं इसको और करके लिखूं, X such that X less than or equals to 3 and X belong to. और भी मैं 6-8 तरीके से इसको लिख के दिखा सकता हूँ, बट दिस इज मोर देन इनफ. द नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 3. ये सिंबल है वो लेस देन वाला, लेस देन और इक्वल्स टू 3. तो पहले आप लोग ये इतना देख लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर मूव होने की ट्राई करेंगे. तो ये देख लो, इसके कनेक्टेड पूरी एक्सरसाइज 1.1 है, वो हम लोग ट्राई करेंगे. देखो बच्चों, अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस है, कि मैं आपको ये चीज पूरा रब करके दिखाता हूँ. बच्चों तो ये मैं रब कर देता हूँ, आपने ठीक से इस चीज को देख लिया है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे.
तो नंबर वन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.1। देखो अगर हो सके तो ये लेसन के लिए आप अपने पास जब भी वीडियो देखते तो टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना, कि उससे क्या होगा कि छोटी मोटी चीज में से तो पूरा डिटेल में ही लिखूंगा बट छोटी मोटी चीज आपको हेल्प कर जाएगी बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैड जस्टिफाई योर आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैड जस्टिफाई योर आंसर। फिर से एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैड जस्टिफाई योर आंसर। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बोल के पढ़ू, आपके पास बुक तो है लेकिन फिर भी मैंने बॉट पे जो क्वेश्चंस है 1 to 9 क्वेश्चन उसको 1 by 1 मैंने कॉपी किया है, तो अब उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगेनिंग विद द लेटर जे, सिर्फ हो सके वहां तक यही क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करो। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगेनिंग विद द लेटर जे। देखो मैंने सेट को लेके आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि सेट का आइडिया क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बच्चों देखो मंथ्स कितने हैं, 12। ऐसे कौन से मंथ्स है कि जो जे लेटर से शुरू होते, लाइक जनवरी, देन जून एंड जुलाई। अब 12 जो मंथ है उसमें से ये 3 जो है दे आर बिगिनिंग विद अ लेटर जे, तो वन कैन इजीली से दैट it is a set. तो first का answer आएगा it is a set. हाँ, अब justify your answer तो इतना लिख सकते हो कि collection of well-defined objects. That's why first जो question है वो आपका क्या हो जाएगा, set. First जो question है वो आपका set हो जाएगा. Why it is a set? फिर से एक बार सर बोल रहे हैं, the collection of all the months of a year beginning with a letter J. अब साल में total months 12 रहते हैं और 12 में से 3 जो months है they are beginning with letter J, January, June and July. तो this is a collection of a well-defined objects. It is a set. ठीक है? अब बच्चों second question के लिए आएंगे हम लोग, तो second के लिए क्या है? The collection of a 10 most talented राइटर इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ अ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब बच्चों सेकंड के लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब इंडिया में राइटर्स तो बहुत हैं, तो हम लोग किसको, मैंने जो मैंने सेट की डेफिनेशन दी थी आपको आइडिया दिया था कि 2 बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, अब एक्टर्स तो बहुत सारे हैं और किसी को मैंने एग्जांपल दिया था कि सलमान खान अच्छा लगेगा, दूसरा आमिर अच्छा लगेगा, किसी को अक्षय अच्छा लगेगा, किसी को उसके साथ सैफ अली खान अच्छा लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ अ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के पास बहुत सारे राइटर है, अब उसमें से हर एक का टेस्ट डिफरेंट है। कोई ऐसा, मतलब मान लो कोई ऐसी मतलब बुक नॉवेल या प्रिफर करेगा जिसमें हॉरर है, कोई ऐसा कि कोई फनी है, तो डिफरेंट टेस्ट है डिफरेंट पीपल, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइटर है, कोई राइटर कोई बंदा ऐसा है कि जो हॉरर बुक्स लिखता है, कोई राइटर ऐसा है कि जो सैड टाइप की कोई बुक लिखता है, कोई राइटर ऐसा है कि जो फनी बुक लिखता है, हर एक के टेस्ट भी डिफरेंट है, तो यू कैन नॉट डिफाइन कि विच वन इज बेस्ट। तो यहाँ पे सेकेंड का जो आंसर आएगा वो होगा इट इज नॉट अ सेट। हाँ, अब आपका आंसर तो लिखना है सिर्फ नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बच्चों थर्ड के लिए चलेंगे हम लोग, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, टीम ऑफ अ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बच्चों यहाँ पे भी वही बात आती है, अगर हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर है, नावर डेज विराट कोहली है, तो वहां पे वो लोग बोलेंगे किस्मत है ऑस्ट्रेलिया में, अगर इंग्लैंड में बोलेंगे तो और वो लोग बोलेंगे, तो वन कैन नॉट से दैट इट इज अ वेल डिफाइंड, हर एक की टेस्ट डिफरेंट रहेगी।
हो सकता है कि वेस्ट इंडीज जाएंगे तो वो लोग किसी और को प्रेफर करते हैं, तो वन कैन नॉट डिसाइड द बेस्ट। हर एक बंदे की अपनी बेस्ट वर्ल्ड इलेवन रहेगी, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। तो थर्ड का भी जो आंसर आएगा, इट इज नॉट अ सेट। आंसर के लिए लिखेंगे नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। थर्ड में भी वही सिचुएशन बच्चों आ रही है कि मतलब क्रिकेट जो बैट्समैन है डिफरेंट है, डिफरेंट इज। हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा भी है कि जिसको ये प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगेगा, किसी को विराट कोहली अच्छा लगेगा, हर एक का टेस्ट सेम सा नहीं है, आप लोग समझ रहे हो। तो समथिंग लाइक दैट, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। और थर्ड का आंसर भी होगा नॉट अ सेट। फोर्थ के लिए हम लोग चलेंगे, द कलेक्शन ऑफ अ बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब बच्चे, अब ये चीज तो क्लियर है कि नाउअडेज, ये फनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि अभी आपकी क्लास में क्या है, लॉकडाउन की वजह से किसी को कुछ पता है नहीं कि कितने बॉयज है आपकी क्लास में, ठीक है। पर फिर भी जब एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करें, ये बुक लिखी गई थी तब तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, तो ये मान के ही हम लोग चलेंगे कि नाउअडेज आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, तो क्लासरूम में बैठने के बाद यू कैन इजीली काउंट दैट हाउ मेनी बॉयज आर इन योर क्लास। तो आप लोग क्लासरूम में जब भी जाके, लॉकडाउन या कोविड के बाद आई होप सब कुछ जल्दी से ओवर हो जाए, तो वो सब कुछ ओवर होने के बाद आप जब क्लासरूम में जाके बैठेंगे बच्चों, तो वहां पे आप लोग इजीली काउंट कर सकते हो कि हाउ मेनी बॉयज आर इन योर क्लास। तो दैट वन इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ का आंसर आएगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। और रीजन में कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों हम लोग फिफ्थ के लिए चलेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, नथिंग टू डू इन दैट वन। अब 100 से लेस जो नेचुरल नंबर है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वन कैन राइट 1, 2, 3, 4 अप टू 99। तो फिफ्थ का भी आंसर इट इज अ सेट। और हम लोग लिखेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिक्स के लिए हम लोग चलेंगे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो बच्चों, यहां पे एक कंपैरिजन करें तो देखो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स करके छोड़ दिया था, स्पेसिफिक नेम नहीं थी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड। जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है उसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, सेकंड से। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को सेकंड से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब हु आर दोज राइटर वी डोंट नो, दैट्स व्हाई आई हैव सेड इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम मेंशन किया गया है कि अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद इज अ स्पेसिफिक राइटर, और उसने बोला है कि उसकी मतलब नॉवेल जितनी लिखी गई है, जितनी भी नॉवेल होगी, दैट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वन कैन कलेक्ट दैट नॉवेल, या तो नेम ऑफ द नॉवेल या तो नंबर ऑफ नॉवेल, जो भी है, इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सी द डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, किसको टैलेंट मानते हैं वी डोंट नो, बट यहाँ पे स्पेसिफिक एक नेम है कि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल लिखी है वो, तो वो कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका सिक्स का आंसर है, इट इज अ सेट। और रीजन में आएगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बच्चों सेवन के लिए चलेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ऑल इवन इंटीजर्स, बच्चों थोड़ा सा इसको भी बोलते हैं कि इट इज अ सेट। अब ऑल इवन इंटीजर को लेके आप लोग बात करेंगे तो लाइक 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। अगर कोई बंदा ऐसा बोलेगा सर इंटीजर्स में तो जीरो भी आएगा, और जीरो कंसिडर एज अ इवन नंबर। अब वैसे तो न्यूट्रल नंबर है, बट सम टाइम इट इज ऐसे केसेस में उसको इवन में कंसीडर किया जाता है बच्चों। अ नेगेटिव माइनस टू
मतलब negative 2, negative 4, negative 6, etc. But that one is a collection of a well-defined object. You can express as a set like minus 4, minus 2, 0, 2, 4, 6, etc. So one can say that it is a set. और उसको मैं बोलूँगा it is a set और argument में लिखेंगे collection of well-defined object. अब बच्चों 8 वाला क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब बच्चों ये जो है वो भी मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. क्यों? कि ये जो चैप्टर्स है उससे सारे क्वेश्चंस निकाल लो. दैट वन इज वेरी इजी. मतलब आप लोग आराम से उसको मतलब वेल डिफाइंड कर सकते हो. आप लोग समझ रहे हो तो, क्योंकि बुक है, बुक के अंदर चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस है मैं समझ रहा हूँ, तो आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन को निकाल के उसको वेल डिफाइन कर सकते हो. तो एक का भी आंसर होगा इट इज अ सेट. हाँ कंटिन्यू करके सर इतना लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. राइट, 9 के लिए हम लोग मूव होंगे कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. अब बच्चों एक चीज है कि यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स. अब मोस्ट डेंजरस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड. कोई चूहा को भी वेल मतलब मोस्ट डेंजरस बोल सकता है, कोई लायन को भी मोस्ट डेंजरस बोल सकता है, समझ रहे हो, कोई टाइगर को भी मोस्ट डेंजरस बोल सकता है. तो मोस्ट डेंजरस इज नॉट डिफाइंड. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोस्ट डेंजरस, मतलब इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड. चूहा को भी लेके कोई मोस्ट डेंजरस बोल सकता है, कोई टाइगर को भी लेके बोल सकता है, कोई गड्ढा को भी बोल सकता है, कोई घोड़ा को भी बोल सकता है. सो वन कैन नॉट से इट इज अ वेल डिफाइंड. तो मैं 9 के लिए लिखूंगा इट इज नॉट अ सेट. अब और लिखेंगे नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. मीन्स बच्चों मैंने यहाँ पे जितने भी इट इज अ सेट, अगर सेट है तो आर्ग्यूमेंट के तौर पे मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, नॉट अ सेट, नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. हाँ मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया कि क्यों अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और क्यों कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं, वो सारे आर्ग्यूमेंट मैंने पढ़ाते पढ़ाते दिखा दिए. तो अब आप लोग एक बार इसको भी देख लो, इसको भी ढंग से देख लो, फिर मैं धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा. बच्चों सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे. बच्चों सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें दो चीज ठीक से फोकस करने. दिस सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग टू एंड दिस सिंबल स्टैंड फॉर नॉट बिलोंग टू. शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा या नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं पता. बट दिस सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग टू एंड दिस वन इज नॉट बिलोंग टू. अब मेरे पास एक सेकेंड क्वेश्चन में ये कि आंसर में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको यही करना है. आप लोग जरा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना जब भी ये वीडियो देख रहे हो. तो A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 5 को लेके बात करेंगे. तो 5 ये सेट A में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 5 सेट A में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो मेरी नॉलेज से 5 दिख रहा है. तो अगर दिख रहा है तो यहाँ पे सिंबल लगाएंगे belongs to. तो this symbol stand for belongs to. ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो कि मैं जा रहा हूँ कौन से नंबर के लिए? 8. अब यहाँ पे तो जो सेट है उसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. तो कहीं भी मेरे को क्या नहीं दिख रहा है बच्चों? 8. तो 8 सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लिखना है नॉट बिलोंग टू.
समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे कहीं भी 1 2 3 4 5 6 है तो थर्ड वन में 0, तो 0 नॉट बिलोंग टू सेट, समथिंग लाइक दैट वे। अब यहाँ पे 4 आ रहा है सेट में, 4 सेट में बिलोंग कर रहा है तो 4 के लिए लिखेंगे बिलोंग टू सेट ए, समथिंग लाइक दैट वे। 2 जो है वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है तो 2 के लिए लिखेंगे बिलोंग टू ए, लेकिन 10 कहीं भी नहीं है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू ए। तो बच्चों ये थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन था, वो एक बार फटाफट लिख लो, देन वी कैन मूव ऑन टू अ क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मीनवाइल एक्सरसाइज 1.1 ही चल रही है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। थर्ड वाला क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म, मतलब आपको फॉर्मेट कौन सा दिया गया है, सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी। मैं 1-to-1 डिस्कस करूंगा, a इक्वल्स टू x एट दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मेट है वो सेट बिल्डर है या तो गुजरात बोर्ड के लैंग्वेज में प्रॉपर्टी है, मेरे को किस में उसको लेके जाना है, रोस्टर या तो लिस्टिंग फॉर्म। मतलब ऐसे इंटीजर चाहिए वो -3 और 7 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे -3 सेट में बिलोंग करेगा, 7 बिलोंग नहीं करेगा। फिर से एक बार, मेरे को ऐसे इंटीजर्स चाहिए, नंबर 1 दे आर लाइज बिटवीन -3 टू 7, लेकिन -3 के पास इक्वल टू है तो -3 को सेट में डालना है और 7 को हटा देना है। मान लो मैं इसको आंसर करके लिखता हूँ ऐसे, a इक्वल्स टू तो -3, अगर आप लोग बीच में, तो अगर एक रियल लाइन की लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हियर इज -1 -2 एंड -3। देखो -3 को लेना है, फिर -2 को लेना है, -1 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 के आगे इक्वल टू नहीं तो 7 को छोड़ देना है। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर, आप लोग समझ रहे हो तो। बच्चों अब थर्ड का ये मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिखाया है, मैं सेकेंड के लिए मूव कर रहा हूं। तो a इक्वल्स टू x एट दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, द नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बच्चों इसके आंसर के लिए 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यही पे आपको आंसर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, स्टार्ट विद 1 और 6 से लेस तो 1 2 3 4 एंड 5, तो दिस विल कंप्लीट योर सेकंड आंसर। बच्चों अगर हम लोग थर्ड के लिए चलते हैं, इसको b इक्वल्स टू लिख रहे हैं, यहाँ पे भी b इक्वल्स टू, सिंबॉलिक चेंज है। c इक्वल्स टू x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. x is a 2-digit natural number such that sum of digits is 8. अब बच्चों इसके आंसर के लिए अगर हम लोग बात करें तो बच्चों 2-digit नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होंगे, तो लाइक 10 11 12 13 एक्सेट्रा, और कहाँ पे रुकेंगे, 99 तक। शुरू कहाँ से होंगे, 10 से, और रुकेंगे कहाँ पे, 99। अब सम ऑफ द डिजिट, मतलब 10 जो है तो 1 प्लस 0, तो 10 का सम ऑफ द डिजिट आंसर क्या मिलेगा, 1। अगर 11 के लिए जाना है तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। 12 के लिए जाना है तो 1 प्लस 2 क्या होगा, 3। तो ऐसे नंबर्स
टू डिजिट के नेचुरल नंबर निकालने के जिनका एडिशन मेरे को 8 मिलना चाहिए। अगर बच्चों बहुत सारी बात सर ना करे आपसे और डायरेक्ट लिखने की ट्राई करे तो 17 चल सकता है, क्योंकि 17 के लिए 1+7 क्या होगा 8। अब 17 के बाद दूसरा नंबर दिखेगा 26, 2+6 8, मतलब 1 10 प्लस के ऊपर एक सीरीज वो सिलेक्ट कर लो, फिर 2 10 प्लस के ऊपर वो सीरीज सिलेक्ट कर लो, तो आप 3 के लिए चलेंगे तो 35, 4 के लिए चलेंगे तो 44, फिर 53, 62, 71 एंड देन 80। तो दिस आर द एलिमेंट विच आर बिलोंग टू सेट सी। क्यों? तो इन सब का अगर 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में बोले तो इन सारे डिजिट का एडिशन भी निकल के क्या आ रहा है 8। तो दिस विल कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चंस। बच्चों अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ डीवी चलेगा, स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, डिवाइजर ऑफ 60। टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना बच्चों। तो एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। देखो उसने जो लैंग्वेज यूज की है, मैं आपको एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। देखो ऐसे नंबर सोचो दे आर प्राइम, और वो नंबर से 60 क्या हो जाना चाहिए डिवाइड। वैसे 1 इज स्पेशल नंबर तो उसको हटा दो, 1 इज अ स्पेशल नंबर उसको हटा दो। तो उसको हटाने के बाद आपके पास जो नंबर दूसरा शुरू होता है वो 2। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 क्या है, आई मीन डिवाइजर तो है 60 का लेकिन प्राइम भी है, समथिंग लाइक दैट में 3 आल्सो। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगी और 3 इज प्राइम। हाँ 4 भी है लेकिन 4 इज नॉट प्राइम। तो बच्चों आज जो बात निकली है तो ये भी आपको क्लियर करवा दे, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइम नंबर। देखो ये एक लेसन ऐसा है कि जिसमें सुनना भी है आपको, सिर्फ बॉट वर्क नहीं है। तो प्राइम जो है, तो प्राइम के डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर, प्राइम के रिलेटेड कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज इटसेल्फ आल्सो एंड सम अदर नंबर आल्सो, दैट वन इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन ये होगी कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम। तो अब यहां पे 4 आ रहा है, 60 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 के लिए क्या है, तो 1 एंड 4 लेकिन एक और भी नंबर आ रहा है 2, तो 4 इज नॉट अ प्राइम। तो ये लिस्ट में 4 नहीं चलेगा क्योंकि इट इज अ कंपोजिट। हां 5 को लेके जा सकते हो, 60 डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 इज प्राइम। इसके अलावा बच्चों मेरी नॉलेज से कोई नंबर होना नहीं चाहिए, 6 भी है लेकिन 6 प्राइम नहीं है। वैसे आगे चल के और भी कुछ नंबर्स निकलेंगे, 10 भी निकलेगा, वो 60 को डिवाइड करेगा बट 10 इज नॉट अ प्राइम कंपोजिट। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये 3 नंबर को छोड़ के मेरी नॉलेज से कोई नंबर नहीं होगा कि जो 60 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था कि द एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, तो बच्चों जो 60 का जो डिवाइजर होगा वो मेरी नॉलेज से प्राइम भी, और ऐसे नंबर को जो 60 को डिवाइड करके दिखाते हैं तो एज पर माई नॉलेज यही 3 नंबर होने चाहिए। मैं जो समझ रहा हूँ वहाँ तक नंबर कौन से होने चाहिए, यही 3 एज पर माई नॉलेज 1। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है, फोर्थ है बच्चों, 2, 3 एंड 5। तो आंसर तो करेक्ट है, नॉट एन इश्यू, अ लिटिल डाउट इज देयर बट हम लोग सही जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग मूव करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो द सेट ऑफ ई इक्वल्स टू, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड
बट क्या है त्रिकोण नो मैट्री। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना उसमें स्पेशलिटी क्या है कि सेट कोई भी लेटर है या अब इन शॉर्ट सेट कोई भी मतलब एलिमेंट को रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने टी लिखा फिर कॉमा आर फिर मैं लिखूंगा आई फिर मैं लिखूंगा ओ फिर ट्री ट्री गो मतलब ट्री टी आर आई फिर सॉरी जी है राइट फिर ओ है फिर एन है फिर वापिस वो आएगा तो ये ओ को हटा देना है क्योंकि दो बार कोई सेगमेंट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। देन आई एम गोइंग टू राइट हियर एन अब मैं लिखूंगा ई अब वापिस टी आ गया उसको हटा दो वापिस आ रहा है उसको हटा दो अब आएगा वाई। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक लेटर में जो भी सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड में मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड में जो भी लेटर है आपके वो लेटर को सेट में रिपीट नहीं करने। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक में मैंने ये ओ को और टी और आर ये शायद दो बार रिपीट होते हैं मैंने हटा के सिर्फ एक ही बार लिखा है तो समथिंग लाइक दैट वे। सिक्स वाला क्वेश्चन सर फोकस करवा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड बैटर द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड बी ई डबल टी ई आर। अब यहां पे आपको एफ करके पहले तो बी आएगा फिर ई आएगा फिर टी राइट फिर ई नहीं लिखना है और आएगा आर क्योंकि यहाँ पे एक बार ई आ गया तो एक ई को हटा दो और एक टी को भी हटा दो तो हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर फोर। तो दिस विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थ्री। उसमें मेन जो लॉजिक था वो आपके पास था कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म आपको उसको किसमें एक्सप्रेस करना था रोस्टर फॉर्म में। एक दो मिनट का सर टाइम देते हैं आप लोग इसको भी देख लो प्लीज। अब बच्चों हम लोग जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इससे केस थोड़ा रिवर्स है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें केस इससे थोड़ा बच्चों रिवर्स है। उसमें आपको कैसे जाना है वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ उसमें टाइटल ये है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आपके पास फॉर्मेट कौन सा है रोस्टर सेट बिल्डर में लिखना है राइट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके पास है कौन सा फॉर्म रोस्टर देखो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कुछ इंडिकेट नहीं किया मैं लेटर ए इक्वल्स टू 3 6 9 12। देखो जहां तक बच्चों सेट बिल्डर का सवाल है ना तो आप लोग नंबर ऑफ वेज इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो मैं अभी जो लिखूंगा मैं पीछे बार बार तो लिखूंगा नहीं आंसर में क्या है बट हो सकता है कि मेरा आंसर और टेक्स्ट बुक के जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पीछे का जो आंसर है वो डिफर भी हो सकता है तो डोंट वरी अबाउट दिस। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इक्वल्स देखो यहाँ पे आपको क्या करना है एक रिलेशन सा देखना है 3 6 9 12 3 6 9 12 मतलब 3 3 2 6 3 3 9 3, 4, 12 का ऐसा तो बोल सकते हर एक में 3 आ रहा है हर एक में क्या आ रहा है 3 means it is a multiple of 3 ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x x is a first 1, 2, 3, 4 तो first 4 natural multiple of 3। बहुत सारे तरीके से इसके आंसर दे सकते हो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि रिलेशन सा क्या था 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा कि x
x such that x is the first four natural multiple of t. तो मल्टीपल ऑफ ट्री और वो भी नेचुरल, तो 3, 6, 9 and 12. तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों. सेकेंड के लिए उसने क्या लिखा है, खैर हम लोग देख लेते हैं. तो सेकेंड को लेके मैं अगर आपसे बात करूं तो 2, 4, 8, 16 and 32. देखो अब रिलेशन सा यहाँ पे सोचना है. जैसे कि ये 2 ऑल राइट, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 16 को 2 raised to 4 और 32 को 2 raised to 5. यहाँ पे b equals to करके हम लोग लिख सकते हैं. तो b equals to x at that x equals to 2 raised to n, x equals to 2 raised to n. ठीक है, अब n का जो mention है वो 1, 2, 3, 4 and 5. अब आप लोग n equals to 1 ले लो तो 2 raised to 1, तो x आपका हो जाएगा 2. फिर n equals to 2 ले लो तो 2 square 4, तो आपका x हो जाएगा 4. 3 लेंगे तो 2 cube is 8, तो आपका x होगा 8, something like 16 and 32. अब इसमें एक और भी लैंग्वेज है बच्चों, अगर किसी को थोड़ा और डिटेल में थोड़ा स्टैंडर्ड इसका हाई करना है तो वो ऐसा भी लिख सकता है कि n less than or equals to 5 and n belong to 5. तो इसको भी एक प्रॉपर्टीज है, तो उसको भी मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में डाल लिया. तो दोनों तरीके से आप लोग सही जा रहे हो. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग मूव करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो c इक्वल्स टू करके मैं लिखूंगा 5 25 125 625. देखो ऑलमोस्ट सेकेंड से पैरेलल जा रहा है, 5 square 5 cube and 5 raised to 4. तो c equals to x at that x equals to 5 raised to n, I'm sorry, 5 raised to n, or n equals to 1, 2, 3, 4. This will complete your third question. अब हम लोग चलेंगे fourth के लिए. तो बच्चों fourth वाला question क्या बोल रहा है आप लोगों को, तो 2, 4, 6, 10, 10, 10. अब ये जो सारे 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, तो इसका रिलेशन क्या है, इन सारे नंबर को आप लोग क्या बोल सकते हो, इवन नेचुरल नंबर. इवन क्योंकि 2, 4, 6, 8 और वो भी नेचुरल है. इसको मैं अगर d इक्वल्स टू बोलता हूँ तो x एट दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x एट दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर. आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ फोर्थ वाला. अब मैं जा रहा हूँ फिफ्थ के लिए. फिफ्थ में यहाँ पे ट्राई करूंगा बच्चों. तो फिफ्थ इक्वल्स टू मैं उसको ए बी सी डी, तो अब आएगा ई 149 up to 100. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन सा देखो, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 10 square 100. तो ऐसा भी बोल सकते हैं. देखो इसको मैं और लैंग्वेज में लिखूंगा थोड़ा, x such that x is a square of first n natural numbers. जो first n natural number है उसका square करो, तो x जो है is the square of first n natural number. मतलब first n 1 square 1, 2 square 4, तो x equals to 4, 3 square 9, x equals to 9. अगर ये लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी है तो आप लोग कॉल लैंग्वेज भी सर दिखा सकते हैं, बट दिस इज मोर देन इनफ. x इज अ स्क्वायर ऑफ अ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जो पहले के 10 नेचुरल नंबर इनका स्क्वायर है वो क्या अज्यूम करेगा x. तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4. एक बार उसको ढंग से देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर मैं जो ट्राई करवा रहा हूँ वो फिफ्थ. तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस वे कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन ए इक्वल्स टू एक्स एट दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों यहां पे जो है फिर से एक बार बोलेंगे सेट बिल्डर है, आपको किसमें लिखना है उसको रोस्टर या तो प्रॉपर्टी है उसको लिखना है लिस्टिंग फॉर्म। x is an odd natural number, अब बच्चों odd natural number कौन से हों जाएंगे 1, 3, 5, 7 डेस 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 करके छोड़ दो, ठीक है। normally एक habit है तीन dot ही लगाने होते हैं normal एक set के लिए, मतलब बहुत सारे teachers number of dot भी लगा देते हैं, but एक proper way of presentation है कि तीन dot ही लगा के छोड़ दो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो b second question है x at that x is an integers, लेकिन कहाँ पे माइनस हाफ लेस देन एक्स लेस देन 9/2, देखो यहाँ पे रियल लाइन का यूज करेंगे हम लोग। सी मेरी बात सुनो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये माइनस है, बच्चों माइनस हाफ यहाँ पे होगा और 9/2 मतलब यहाँ पे होगा, तो बिटवीन दिस टू आप लोग समझ रहे हो, बिटवीन दिस टू नेचुरल नंबर कौन से होंगे आप लोग ही क्लियरली जज कर सकते हो। देखो एक जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि माइनस हाफ और 9/2 इन दोनों के बीच में जो नेचुरल नंबर आई मीन इंटीजर्स आई एम सॉरी वो कौन से होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। बच्चों c इक्वल्स टू मैं लिखने जा रहा हूं तो x एट दैट x इज एन इंटीजर्स। अब x इंटीजर तो है लेकिन ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करना चाहिए x square is less than or equals to 4। देखो बच्चों यहाँ पे एक explanation सर क्या दे रहे हैं, x is an integer, x square less than or equals to 4। अब मैं थोड़ा integers है तो set of integers में कौन से number आएंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 etc। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं x equals to -4 लेता हूँ तो -4 क्या हो जाएगा 16, 16 is not less than or equals to 4, तो ये reject होगा। और भी आगे चल सकते हैं, इतना जाने की जरूरत नहीं। अब -3 लगाओ उसका square 9, not less than or equals to 4, तो ये भी निकलेगा। -2 लगाओ तो -2 square 4, 4 less than or equals to 4, तो -2 चलेगा। तो set C में एक number शुरू होगा -2, फिर आप लगाएंगे -1 तो -1 का square 1, 1 is less than 4, तो -1 भी चलेगा, समझ रहे हो। फिर 0 लगाओ तो 0 square is less than 4, तो 0 भी चलेगा। फिर 1 वापिस लगाओ less than 4, 2 लगाओ तो less than or equals to 4, तो 1 and 2। अब वापिस 3 चलेंगे तो 3 square 9 is not less than 4, तो आपके पास जो नंबर आएंगे -2, -1, 0, 1 and 2, तो इसके कनेक्टेड सर ने ये भी आपको क्लियर कर दिया है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका वो कौन सा होगा, फोर्थ। d equals to x at that x is a letter in the word loyal। अब सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए तो l लिखो, o y और a छोड़ दो, l को लास्ट वाले। Right, E equals to X is in a month of a year, not having 31 days. देखो, D E. X is a month in year, not having 31 days. देखो, question क्या है कि X is a month of a year, not having 31 days. मतलब साल में ऐसे कौन से मंथ है कि जिनमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। देखो बच्चों अब यह आएगा फेब, फिर होगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मार्च छोड़ दो, अप्रैल फिर मई छोड़ दो, फिर जून, राइट, जुलाई 31, अगस्त 31, राइट, फिर होगा अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अच्छा अगस्त के बाद सितंबर आएगा, 30 होगा अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 फेब,
देखो जनवरी छोड़ दो, फरवरी आएगा, मार्च छोड़ दो, अप्रैल आएगा, फिर अप्रैल के बाद मई छोड़ दो, जून आएगा, फिर जुलाई छोड़ दो, फिर अगस्त भी छोड़ दो, क्योंकि जुलाई में भी 31 है, अगस्त में भी 31 है, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर छोड़ दो तो नवंबर आएगा, दिसंबर भी 31, तो मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज, नथिंग टू डू इन दैट मंथ। अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, तो एफ इक्वल्स टू एक्स एट दैट, एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड द के, एक्स is a consonant in alphabet which precede the K। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख लेना, मैंने लिखा x is a consonant in, वर्ड जो है x is a consonant in English alphabet। अब मान लो कि मैं एबीसीडी लिखने की ट्राई करूं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अब ये तो वोवेल हो जाएगा हटा दो, फिर ई वोवेल हो जाएगा हटा दो, फिर क्या होगा आई वोवेल हो जाएगा उसको हटा दो, ठीक है, तो एफ के पास जो आएगा वो बी सी डी एफ जी एच जे, तो के पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं वो आपके आंसर में हो जाएंगे। तो बच्चों एक बार ये देख लो, शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही था, तो फिफ्थ वाला आप लोग देख लो, फिर हम लोग आगे मूव करने की ट्राई कर रहेंगे। चलो हो गए, तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है सिक्स्थ वन, उसके ऊपर हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या है मैच मैकिंग है, ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन ये आपका ऑलरेडी कॉपी है, 1 2 3 6 राइट। अब जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये जो है यहाँ पे क्या है आपके पास जो फॉर्मेट है वो रोस्टर है लिस्टिंग है, और सामने जो है वो सेट बिल्डर है या तो प्रॉपर्टी है, 1 2 3 6। अब उसका कंपैरिजन होगा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो मैं इसका कनेक्शन, फर्स्ट का कनेक्शन किससे ले रहा हूं, इससे, c से, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 एंड 3 राइट। तो अब 2 एंड 3 इसका कनेक्शन इससे जाएगा बच्चों, a से, क्यों, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर कितने रहते हैं, 1 को छोड़ दो तो 2 2 3 and 6 itself, but 6 is not a prime, so 2 and 3 they are the prime divisor, prime natural number and divisor of 6, ठीक है। अब ये जो होगा वो word क्या है, mathematics, तो यहाँ पे mathematics ढूंढ लो, ये D वाली choice है, तो x at that, x is a letter of the word mathematics, 1 3 5 7 9, तो वो कौन सा रह जाता है, x is an odd natural number less than 10, तो इसका connection इससे आ जाएगा, natural number less than, चलो इसको एक बार देख लो। अब बच्चों ये जो पूरा वीडियो मैंने कंप्लीट किया है उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी ओवर हो जाती है, आप लोग ठीक से समझ रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज ही कवर हो जाए, 1.2 समथिंग लाइक दैट वे हम लोग बेस्ट ट्राई करेंगे।